हमने बात की है प्रॉबीबलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों क्योंकि क्यों, उसके अंदर आपके रनिंग स्कोर्स हैं और क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल है अभी हम बात करेंगे बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन की और हाउ प्रोबिलिटी इज लिंक्ड एंड हाउ वी कैन टेक बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायोनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमारे दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सो वेन अ वेरिएबल इज़ मेयर ऑन अ स्केल

फर्स्ट करें आपने पर्सनालिटी जो कि रनिंग स्कोर है और कंटिन्यूस वेरिएबल है और आपने उसको में किया आप उसको भी हाई और लो में कर सकते हैं फर्स्ट करें आपने एग्रेशन में यह किया है यू कैन टेक दैट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ हाई और लो ऑन एग्रेशन सो व्हेन यू मेक टू कैटेगरीज ऑफ एनी आउटकम वेरिएबल तो आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सिमिलरली हेड और हेड और टेल तो है ही बाइनोमियल जिसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं इवन अगर डाइस की एग्जांपल्स हैं और आप रोल कर रहे हैं एंड यू वांट वन बाय सिक्स आप चाह रहे हो कि मेरा आ जाए तो फिर आप उसको सक्सेस और फेलियर में कर सकते हैं कि अगर डाइस को रोल करें और अगर सिक्स आ गया तो सक्सेस एंड एनी अदर ऑप्शन विल बी फेलियर सो वेन यू यू नो कैटेगराइज द डेटा इंटू टू पॉसिबल आउटकम्स द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बायोमियल डेटा कैन आकर वेन अवेरिएबल नेचुरली एग्जिस्ट विद ओनली टू कैटेगरीज बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर नैचुर आपकी टू कैटेगरीज ही बन रही होती हैं हेड और टेल नेचुरू कैटेगरीज ही हैं मेल और फीमेल आपका टू कैटेगरीज ही हैं और इसी तरह पास और फेल कई चीज़ों में कई एग्जाम्स में हमें जस्ट पास करना होता है कोई या सच उसमें रनिंग uh, स्कोर्स नहीं होते इधर यू जैसे मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं जैसे आपकी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इधर यू आर पास और फेल तो इस तरह बहुत सी हमारी वेरिएबल्स uh, हैं जो कि नेचुरली ही एग्जिस्ट uh, ही कैटेगोरिकली टू वेरिएबल्स टू कैटेगरीज़ के अंदर करते हैं बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन में uh, दो कैटेगरीज जो आइडेंटिफाइड होती हैं उनको हम ए और बी कहते हैं और उन ए और बी को हम डिनोट करते हैं पी और क्यू के साथ पी इज़ identified as probability of success or the event you want and q is the probability of failure or event b or what you um, don't want so the probabilities or proportions associated with each categories are identified as p and the probability of event a which is success and the q probability of uh, event b uh, which is failure सो पी प्लस क्यू वुड ऑलवेज भी इक्वल टू वन सिमिलरली जैसा प्रॉबिलिटी के अंदर हमारी जो रेंज है दैट इज़ ज़ीरो टू तो वन इसी तरह बाइनॉमियल के अंदर भी हमारी पी और क्यू दोनों ऑप्शन को करेंगे तो पॉसिबल आउटकम मैक्सिमम वन बनेगा और मिनिमम आपका uh, इसमें एक बात है कि आपका एन साइज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है uh, करने में वी विल डू फ्यू एग्जाम्पल्स इन अ कपल ऑफ मिनट्स लेट्स ओवर व्यू कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ और बताई हुई हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशन इन द दाम्पल इज आइडेंटिफाइड बाई एन जो मैंने आपको कहा है कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बाइनोमियल में एन साइज है जैसे आपके पैरामीटर्स होते हैं ना हर नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन के टू पैरामीटर्स हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो दो पैरामीटर्स हैं उसमें एन और पी डीज आर द टू पैरामीटर्स जिसके साथ हम इस इंफॉर्मेशन के साथ वी कैन एक्सीड फॉरवर्ड और हम बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेश्स इन द दाम्पल इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन मसलन अगर मैंने एक कॉइन को दस दफ़ा टॉस किया है तो उसमें हेड uh, आने की uh, दो एग्जैक्टली exactly हेड आने की प्रॉबिलिटी कितनी है सो पी इज़ टू बाई टेन आपके टोटल एन जो है आपका टेन uh, है और आपका पी जो है वो वन बाई टू है और क्यू भी आपका वन बाई टू है आई विल सॉल्व दिस इन अ मिनट वेरिएबल एक्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कैटेगरी ए विल एलाका और एक्स कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ज़ीरो uh, से लेके एन तक ज़ीरो मीन्स नान ऑफ द सेम्पल इन कैटेगरी ए और एन साम्पल इन द कैटेगरी ए एनि मैक्म मस अगर आपने दस दफ़ा टॉस किया है और आप उसमें हेड uh, आने की प्रॉबलिटी कर रहे हैं तो हेड जीरो से लेके कर टेन टाइम्स के दरमियान कहीं भी फॉल कर सकता है यानी ये भी हो सकता है कि आप दस दफ़ा टॉस करें और कोई भी हेड ना आए और ये भी हो सकता है कि आप एंड uh, टाइम्स आपका हेड आ जाए यानी टेन टाइम्स आपका हेड आ जाए ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया है कि नंबर ऑफ़ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ फेयर क्वाइन आप क्वाइन का टॉस करना इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वाई बिकॉज इट हैज़ टू आउटकम्स दैट इज़ हेड और टेल इसमें नंबर ऑफ हेड्स कैसे आ सकते हैं आपका क्या प्रॉबिलिटी है कि आपका ज़ीरो हेड आएगा है हाँ ना तो उसकी प्रॉबलिटी है कि पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल आए तो पहले पे टेल और दूसरे पे टेल हमने कैलकुलेट किया हुआ है विच इज़ वन बाई टू एन वन बाई टू और विच इज़ इक्वल टू वन बाई फोर सो वन बाई टू एन वन बाई टू विच इज़ वन बाई फोर विच इज़ पॉइंट टू फाइव सो जीरो हेड आने की प्रॉबिलिटी आपकी पॉइंट टू फाइव है वन हेड आने की प्रॉबलिटी आपकी कितनी है ये हो सकता है कि पहले पे हेड हो और दूसरे पे टेल हो या फिर पहले पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो 1 by 2 into 1 by 2 which is equal to वन बाई फोर एंड देन वन बाई टू इं टू 1 बाई टू इज़ वन बाई फोर सो हम वन 4 फोर प्लस वन बाई फोर करेंगे तो वो बन जाएगा 2 by 4 which will be equal to 0.5 हमने पहले ही कैलकुलेट की भी है अगेन uh, मैं कर देती हूँ पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए सेपरेट प्रॉबलिटीज़ करेंगे जहाँ पे एंड है मल्टीप्लाई लगाएंगे जहाँ पे और एडिशन लगाएंगे एंड दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट विच इज़ पॉइंट फाइव सो दिस इज़ बाई नॉमिल एक्सपेरिमेंट विद ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर कमिंग अप ऑफ हेड अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस तरह से बनेगा यानी नंबर ऑफ टॉसिस फर्स्ट टॉस के ऊपर ये आया है जो मैंने अभी आपको बताया हेड और हेड हेड और टेल टेल और हेड और टेल एंड टेल तो बायनॉम्यल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू आंसर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एज वेल जैसा हमने आ, पीछे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके भी हमने एटलीस्ट टू आने की प्रोबेबिलिटी या एटलीस्ट वन आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है सिमिलरली बायनॉमियल के अंदर भी हम प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम प्रॉबलिटी के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कैसे बाई ऑप्टेनिंग दैंपल्स पे सौ बाई ऑप्टेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट द बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टूवर्ड अ नॉर्मल शेप इस्पेली वन दाम्पसाइज इन रिलेटिवली लार्ज हमारा uh, हमेशा याद रखें कि स्टार्ट में रूल है आपका कि आप जैसे जैसे साम्पस साइज इंक्रीज करते हैं आपकी स्टैंडर्ड एरर के चांस भी कम होते जाते हैं आपकी अप्रॉक्सीमेशन फोर पॉपुलेशन पैरामीटर भी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाती है आपके एरर के चांसेस भी कम होते जाते हैं टाइप वन टाइप टू एरर के चांसेस भी कम होते जाते हैं और आपका बाइनॉर्मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी दैट अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे हम सैम्पल साइज़ यानी एन साइज़ को हम आ, बढ़ाते जाते हैं uh, बल्कि uh, मुझे जोक भी याद आ रहा है स्टार्ट के अंदर कि एन साइज़ यानी इंक्रीजिंग दाम्पल साइज इज सो इम्पॉटेंट इन स्टिक्स की यूजली रूल ऑफ थॉम में बच्चे हर सवाल के जवाब में ही बता देते हैं कि जी सांपर साइज़ इंक्रीज़ कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एरर कैसे कम होगा टाइप वन एरर कैसे कम होगा सांपर साइज़ इंक्रीज़ कर दें पावर कैसे बढ़ेगी टेस्ट की सांपर साइज़ इंक्रीज़ कर दें तो वो एक लाइब्रेरी uh, में आग लग जाती है और वो देखते हैं कि एक जो बंदा है वो uh, वो पकड़ के बाकी अलमारियों को भी आग लगा रहा है तो वो उसको पकड़ से कहते हैं आर यू क्रेजी वॉट यू आर डूइंग लाइक तुम बाकी अलमारियों को भी आग लगा रहे हो तो वो कहते हैं हाँ जी मैं सांपर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ वो सैम्पल साइज इंक्रीज करना इज़ रियली लाइक वी कैन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इवन इफ वी आर हैविंग अ प्योर बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट इफ वी इंक्रीज द सैंपल साइज़ वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट द बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन इज नियरली परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेन पी एन और क्यू एन आर बहुत इक्वल टू और ग्रेटर देन टेन ये एक रूल ऑफ थम है ये मिनिमम वैल्यू है कि अगर पी एन ग्रेटर देन टेन है तो इसका मतलब है कि आपका सैम्पल साइज जो है आ, इतना है कि आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ले जाके भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे फर्श करें आपने पी आपका है आपने दस दफ़ा कॉइन को टॉस किया है और एन हमारा टेन है वी हैव टॉस्ड अ कॉइन टेन टाइम्स और पी क्या है यानी हमारा हेड आए वी वॉन्ट के कितने दफा हेड आता है तो पी की प्रोबिलिटी वन बाई है

अप्रॉक्सीमेट करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो फिर आपकी मे बी एक्यूरेसी कम्प्रोमाइज होगी और एरर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल से करने के लिए या उसको नॉर्मल पे लेके जाने के लिए हमेशा याद रखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स भी हैं जो कि हम मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन कहते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन की भी यू कैन कैलकुलेट मीन एंड यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे जब आप पी और एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज एक्चुअली मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है कि आप एन पी क्यू को मल्टीप्लाई करके उसका अगर स्क्वायर रूट ले, ले लेंगे तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड इविएशन सो वंस वी हैव मीन एंड स्टैंडर्ड इविएशन वी आर गुड टू गोन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क द एरिया फाइंड द प्रोबिलिटी एंड हेयर वी गो आंसर एनी क्वेश्चन लेकिन याद रखें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सैम्पल साइज इंक्रीज कर दें तो आप उसको नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं सो विद इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ईच वैल्यूफ़ एक्सेज करिस सीसकोज यानी अगर हमारे पास मीन और स्टैंडर्डिविएशन आ गई है जो कि हमने एन पी और एन पी क्यू अंडर रूट से निकाली है तो फिर हम मीन और स्टैंडर्डियशन निकाल के उसका जी निकाल सकते हैं याद रखें ये अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि आपका आउटकम वेरिएबल कैटेगोरिकल है बायनोमियल है यानी उसकी दो आउटकम्स है लेकिन स्टिल आप उसको सैंपल साइज को इंक्रीज करके उसका जेड निकाल सकते हैं और फिर उस जेड से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और उस एरिया से आप प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट कर सकते हैं इज एन इट इज लेट्स एंड सी क्लियर अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आई विल गो बैक एंड एक्सप्लेन अगेन अगर यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल्स uh, में क्लैरिटी ना हुई नॉर्मल एक टू द बाइनोमियल बाइनोमियल वैल्यूज सच एज द नंबर ऑफ हेड्स इन अ सीरीज़ ऑफ़ क्वाइंट ऑसेज आर डिस्क्रीट एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस एक और बात कि जब आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने एन साइज़ को इंक्रीज कर दिया है आप उसमें अलग अलग उसका सैम्प नहीं बना रही और वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रही बल्कि आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाके अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं Uh, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ वैसे एन साइज़ इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है अभी हमने कहा कि अगर हम टू क्वाइंस को एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस करें तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है है ना तो हमने उसमें साम्पल स्पेस बनाया कि ये भी हो सकता है कि दोनों हेड आ जाएं ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड हाँ, दूसरे पे टेल या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड हाँ, या फिर दोनों टेल आ जाएं सो दिस इज़ द ऑल पॉसिबल साम्पल स्पेल इफ़ यू साम्पल स्पेस इफ़ यू टॉस अ क्वाइन ट्वाइस, लेकिन इमेजिन करें कि अगर हम एक क्वाइन को सौ बार टॉस करते हैं या फिर हमारे पास सौ कॉइन्स हैं और हम इकट्ठे टॉस करते हैं या इवन हमारे पास थर्टी कॉइन्स हैं और हम इकट्ठे टॉस करते हैं कितना ह्यूज सांपल स्पेस बनेगा अगर सिर्फ दो में हमने हेड टेल और टेल हैड बनाया है तो जस्ट इमेजिन कि इफ़ यू आर टॉसिंग टेन क्वाइंज एट अ टाइम हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इट विल मेक और इफ़ इट इज़ अ थर्टी जो हमने कहा है कि मिनिमम ट्वेंटी का होना चाहिए या थर्टी का तो उसके अंदर फिर सांपल स्पेस कैसे बनेगा सो so ये बहुत ज़्यादा आपका कम्बसम uh, हो जाता है कि अगर आपने इतना बड़ा सांपल स्पेस बनाना है इवन इट्स अ बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा एन साइज बहुत बड़ा है तो क्यों ना हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके नॉर्मल पे ले जाएं और वहाँ पे हम हेड जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि अगर हमने तीस दफ़ा क्वाइन को टॉस किया है तो उसमें फोर या अब हेड जाने की प्रॉबलिटी कितनी है या फिर फाइव या अब हेड जाने की या सिक्स या अब हेड जाने की प्रॉबलिटी कितनी है तो उसमें हम फिर एरिया मार्क कर लेते हैं और हम उसकी प्रॉबलिटी निकाल लेते हैं नॉर्मल कर्व पे जाने के लिए एक तो मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन चाहिए और दूसरा हमें कंटिन्यूस चाहिए बिकॉज बाई इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल वाई बिकॉज इट इज़ अ टू आउटकम्स ओनली दर इज नथिंग इन बिटवीन ईदर हेड और टेल सो so, इसलिए हमें अपने वेरिएबल को कंटिन्यूस करने के लिए रियल लिमिट बनानी पड़ती है रिमेंबर कि हमने पहले लेक्चर्स में रियल लिमिट्स बनानी सीखी थी कि हम अपने डेटा को कंटिन्यूस करने के लिए अगर फर्स्ट करें सिक्स हेड्स की वो पूछ रहा है तो आप सिक्स को कंटिन्यूस करेंगे और उसकी अपर लिमिट लेंगे विच इज सिक्स पॉइंट फाइव और इसी तरह अगर कोई भी एक्स की वैल्यू गिवन है तो यू विल डू इट कंटिन्यूस बाय एडिंग ऑर्स अपट्रैक्टिंग पॉइंट फाइव फ्रॉम इट सो चूंकि हम अपर लिमिट लेते हैं सो वी विल एड पॉइंट फाइव इन टू द स्कोर

जीरो uh, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमने हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है ठीक है जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है कि सारे टेन के टेन टाइम्स हमारा टेल आए तो उसके लिए हमने वन बाई टू करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है इसी तरह हमारा वन हेड आए और बाकी सारों पे टेल आए टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी थ्री फोर फाइव ये बिल्कुल वैसे ही है जो पीछे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है जिसमें कि हमने Uh, दो के साथ बनाया है दिस वन सो दिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन यहाँ मैंने आपको शो किया है कि कैसे आया है जीरो पॉइंट टू फाइव और ये पॉइंट फाइव कैसे आया है बिल्कुल इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमने सैंपल साइज़ इंक्रीज कर दिया एंड दैट इज़ टेन सो टेन के साथ हमने चूंकि हमारा ये डिस्क्रीट वेरिएबल है तो हमारी बार्स होंगी रेक्टेंगुलर ये कनेक्टेड नहीं होते डिस्क्रीट वेरिएबल हमारा तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है यू कैन सी के आपका जैसे जैसे एन साइज बढ़ता जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजर टू नॉर्मल होता जाता है दिस इज़ अ स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे ये देखें यहाँ पे हमें गैप है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ मेकिंग अ शेप ऑफ़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इट इज़ वी कैन अप्रोक्सीमेटेड तो इसीलिए हम अपने इस वेरिएबल को कंटिन्यूस कर देंगे पॉइंट फाइव के साथ और फिर इसका मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन निकाल के हम कोई भी एरिया मार्क करके मसा फोर और अबव हेड जाने की प्रॉबलिटी कितनी है फोर और अबव हेड जाने की तो हम फिर इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर उसी तरह से हम उसका जी स्कोर निकालेंगे और उसकी प्रॉबलिटी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल है कि हम अप्रॉक्सीमेशन नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल कैसे करते हैं कि ईच एक्स वैल्यू इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली करिस्पॉन्ड्स टू अ बार इन द हिस्टोग्राम जैसे मैंने अभी बताया है कि ये कंटिन्यूस नहीं है ये डिस्क्रीट है इसीलिए इसकी बार्स जो हैं रेक्टेंगुलर बार्स जो हैं वो अलग अलग हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द स्कोर एक्स सिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई अ बार इट इज़ बाउंडेड बाय द रियल लिमिट्स ऑफ फाइव पॉइंट फाइव एंड सिक्स पॉइंट फाइव आपने अगर सिक्स और अब का फाइंड आउट करना है तो आपने डेफिनेटली उसको कंटिन्यूस करना है बाय एडिंग और अब पॉइंट फाइव फ्रॉम इट द एक्चुअल प्रोबिलिटी ऑफ एक्स इज सिक्स इज डिटर्म बाय द एरिया कंटेनड इन द बार लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल बी क्लियर कि बाइनोमियल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और बाइनोमियल के लिए हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आपने रॉक पेपर सीजर गेम खेली होगी बच्चे बहुत खेलते हैं उसे सो रॉक पेपर सीजर गेम के अंदर द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ प्लेयर्स विल सेलेक्ट द सेम रिस्पॉन्स एंड टाई इज इक्वल टू वन बाय थ्री सो पी की वैल्यू हमें गिवन है विच इज वन बाय थ्री एंड द प्रोबिलिटी दैट दे विल पिक अ डिफरेंट रिस्पॉन्स इज टू बाय थ्री यानी वो सेम रिस्पॉन्स रॉक पेपर सीजन में आपने हाथ वजह से पुगना हम कहते हैं ना वैसे आपने रखना होता है तो अगर आपका एक ही पॉज अब तीनों ने एक ही पिक किया है तो उसकी प्रॉबीबिलिटी वन बाय थ्री है और तीनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो उसकी प्रॉबलिटी टू बाय थ्री है इफ टू पीपल प्ले सेवेंटी टू राउंड ऑफ द गेम एंड चूज देर रिस्पॉन्स रैंडमली What is the probability that they will choose the same response more than 28 times? Now, read the question very carefully. Probability is problem already a mindset that probability is not probability problem. They can actually, probability is the coolest part in the whole statistics. QQK amazingly answer very tough questions in a very simple and easy way. Now, what information do you have और उसको ड्रॉ कर लें राइट right? तो आपको मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले इसकी मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन निकालेंगे क्यों क्योंकि आपको नॉर्मल पे अगर जाना है अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो फिर आपको उसकी मीन और हमें पता है कि बाइनोमियल की मीन इज़ इक्वल टू बल्कि इसको मैं म्यू से ही कर देती हूँ सपोजिंगली ये ऑल पॉपुलेशन ही है तो आपकी म्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू एन पी और आपका जो सिग्मा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन है दैट इज़ इक्वल टू एन पी क्यू अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी है सेवेंटी टू टाइम्स आपने उसको बारियाँ ली हैं सेवेंटी टू बारियों में आपकी प्रोबेबिलिटी पी की कितनी है दैट इज़ वन बाय थ्री अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो थ्री टू जो सिक्स एंड वन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व विच इज़ ट्वेंटी फोर सो मीन हमारी आ गई ट्वेंटी फोर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ इक्वल टू एन पी क्यू एन हमारा सेवेंटी टू है पी हमारा वन बाय थ्री है क्यू हमारा टू बाई थ्री है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें वैसे ये इसी तरह ही करके हमें खास सिक्सटीन बन जाएगा और सिक्सटीन का हम अंडर रूट लेंगे तो फोर आ जाएगा सो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन इज फोर एंड द मीन इज़ ट्वेंटी फोर ए यू गो वी गॉट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट जी जी किसका हमने कहना है कि ट्वेंटी एट टाइम्स ओ मो आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आई विल पुट द मीन हेयर विच इज़ ट्वेंटी फोर एंड आई विल पुट वॉट आई नीड दे चूज द सेम रिस्पॉन्स मोर देन ट्वेंटी एट टाइम्स मोर देन ट्वेंटी एट का मतलब है कि अगर ट्वेंटी एट यहाँ पे आ रहा है तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है मोर देन ट्वेंटी एट आई हैव द एक्स वैल्यू आई नीड अ जी स्कोर हेयर कि वो क्या होगा तो so, जी निकालने के लिए आई विल कैलकुलेट रिमेंबर कि हमने पहला स्टेप किया है मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन फाइंड आउट किया है और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको कंटिन्यूस करना है और वो कैसे करना है बाई टेकिंग अपर लिमिट ऑफ दैट स्कोर सो वी विल बी इक्वल टू एक माइनस मीन डिवाइडेड बाई तो हम इसके अंदर x इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव आपका मीन कितना है हमने निकाला ट्वेंटी फोर आपकी स्टैंडर्ड एवियशन हमने कितनी निकाली है फोर सॉल्व दिस और आपका आंसर निकलेगा वन पॉइंट वन थ्री दिस इज द जी वैल्यू वन पॉइंट वन थ्री आई एम श्योर यू नो द नेक्स्ट स्टेप वॉट इज दैट यू विल सी द एरिया और एरिया आपने टेल का देखना है टेल का एरिया देखने के लिए आपने सी कॉलम देखना है उसी टेबल का जो मैंने अभी आपको दो दफा दिखाया है उस सी कॉलम में जो कि टेल का एरिया है यू हैव टू फाइंड आउट वन पॉइंट वन थ्री जी स्कोर एंड देन अब पहले हम एरिया से कॉलम से इधर जी की तरफ गए थे अब आपको जी गिवन है और आपने जी से एरिया फाइंड आउट करना है और आप कॉलम सी के अंदर देखेंगे तो आपका जो एरिया लिखा हुआ है वहाँ पे पॉइंट वन टू नाइन टू लिखा हुआ सो पॉइंट वन टू नाइन टू का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी कि आप रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं और आप सेवेंटी टू बारियाँ लें और सेवेंटी टू बारियों में से 28 से ज़्यादा दफ़ा आपकी टाई आए इसकी प्रॉबिलिटी पॉइंट वन टू नाइन टू है या फिर ऑलमोस्ट थर्टीन परसेंट प्रॉबिलिटी है आपकी राउंड कर दें तो इसको तो ठीक है सो so, देखने में क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन हमने बगैर किसी भी मुश्किल के उसको सॉल्व कर लिया है सो so, यू कि अगर आप बाइनोमियल में उसका ऑल पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप उसको नॉर्मल पर रख के अपने वेरिएबल को कंटिन्यूस करके अपना मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करके आप प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं